चलो हैव फन, ट्राई इट आउट, एक पफ कुछ नहीं होता है, कम ऑन कम ऑन। नो सॉरी यार, मैं स्मोक नहीं करता, प्लीज। जस्ट लुक एट हिम, इज बिहेविंग लाइक अ किड। हाँ नो गर्लफ्रेंड, स्मोक करता नहीं है, ग्लास ऑफ बियर से तो ऐसे डर रहा है। वेलकम ऑन राशिज पेप टॉक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों की और हमारी कंपनी। हमारी कंपनी हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है, हमारी लाइफ को गवर्न करती है और डायरेक्ट एंड गाइड भी करती है। इतना मैटर करती है हमारी कंपनी और हमारे दोस्त। यकीन मानिए, हमारे पेरेंट्स की जितनी चिंता इस बात पर होती है कि हम कितनी अच्छी पढ़ाई करें, हम लाइफ में क्या बनेंगे, उससे ज्यादा उन्हें चिंता इस बात की होती है कि हमारे बेटा या बेटी, हमारे बच्चे किस कंपनी में है। अब ये राइट कंपनी और बैड कंपनी क्या होती है? दोस्त दो तरीके के होते हैं। एक दोस्त वो होते हैं जो आपको टेंपल ले जाते हैं, एक दोस्त वो होते हैं जो आपको गार्डन में ले जाते हैं, एक दोस्त वो भी होते हैं जो आपको एक अच्छी फिल्म दिखाते हैं, और एक दोस्त वो भी होते हैं जो आपको बार में ले जाते हैं, एक दोस्त वो भी होते हैं जो आपको स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की आदत डलवा देते हैं। अब इसमें हम टोटली उन दोस्तों को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अपनी चॉइसेस भी लाइफ में मैटर करती हैं। हम चाहते या ना चाहते हुए भी धीरे धीरे इन गलत चीजों के तरफ खिंचते चले जाते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, और फिर हमें एक राइट कंपनी भी इरिटेट करने लगती है। वो इंसान जो हमें सही चीज बता रहा होता है, वो हमें एक एनिमी की तरह लगने लगता है। और एक अच्छा दोस्त आपका वेलविशर होगा, वो कभी आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, और वो हमेशा आपका एक वेलविशर की तरह आपको हमेशा राइट चीज ही बताएगा। यहाँ तक कि कभी कभी वो प्यारी धमकी भी आपको दे सकते हैं कि देखो, अगर ऐसा किसी से तुमने किया तो अभी जाके मम्मी पापा से, अंकल आंटी से तुम्हारी अभी मैं शिकायत करता हूँ या करती हूँ। एंड देन आपको वो पर्सन आपका एनिमी लगने लगता है, और ये सच्चा दोस्त एक्चुअली जाके कभी भी आपकी शिकायत किसी से नहीं करता है, वो सिर्फ आपके ऊपर एक फियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। डियर पेरेंट्स, बी वेरी केयरफुल, स्पेशली योर वर्किंग पेरेंट्स, बी वेरी केयरफुल आपका बच्चा किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। कहीं वो लाइफ में डिफोकस तो नहीं हो रहा है? कभी कभी हमने देखा है बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वे वेरी गुड एट स्टडीज, बट वैल्यूज में उनका डिटेरिएशन एक रॉन्ग कंपनी की वजह से स्टार्ट हो जाता है लाइफ में। अगर उन्हें एक राइट डायरेक्शन मिले, दे आर नाइस पीपल, सो उनके साथ कभी भी एक ये जो आई वुड से एक जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उससे बचा जा सकता है। नाउ वन मोर थिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति किसी रॉन्ग कंपनी में चला गया और वो सालों उस रॉन्ग कंपनी में भी रहा, तो भी अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, एवरी डार्क नाइट इट कम्स, यू नो इट हैज होप, बिकॉज वी ऑल वेट फॉर अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, अ ब्यूटिफुल डॉन। सो द मोमेंट यू रियलाइज, द मोमेंट यू फॉरगिव योरसेल्फ, द मोमेंट यू डिसाइड to make your own choices for your own betterment, it is then a new life, a new day starts. लोग कहते हैं हर दिन एक नए दिन की शुरुआत होती है, मेरे को लगता है हर दिन आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। तो दुनिया में दोस्त तो बहुत है, बट दोस्ती मुश्किल से मिलती है।